लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मम्मी कहाँ है वो? कौन? वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मम्मी कुछ नहीं होगा। घबराने की कोई बात तो नहीं? नथिंग टू वरी, ये टैबलेट्स इनको देते रहिएगा, शी विल बी ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच। आंटी क्या बात है, मुझे बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, 24 घंटे उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है, फिर उसी के सपने भी देखती है। एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से आप ताने देने से बाज नहीं आते। तानों का जवाब देता लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आराम करो। विकी बेटे मुझे बहुत टेंशन है, अगर तुम्हारी शादी मधु से हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊँ। मम्मी प्लीज, तू चुप रह, बोलना। आंटी आप जैसा कहेंगी वैसा होगा, एग्जैक्टली वैसा होगा। मधु बेटी एक ग्लास पानी लिया। विकी मेरा तो कोई बेटा नहीं है, इसलिए बंगला मोटर गाड़ी जायदाद फैक्ट्री सब तेरे नाम कर दूंगी। तो जल्दी से जाके कोर्ट से अपॉइंटमेंट ले ले, दो दिन में सिविल मैरिज हो जानी चाहिए। अब आंटी आपके आगे तो मैं बोल नहीं सकता ना, अब जैसी आपकी इच्छा। मैंने भी अगर दो दिन में इनको भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी चौबे नहीं। असल जी हम लोग कहाँ आ गए? कैसीनो है। ये कैसीनो क्या होता है? जुआ घर या जुआ होता है? नहीं नहीं नहीं, हमारे कॉपी पर जुआ नहीं आता, वो हार जाएंगे। अरे मनु जब तू बोलेगा हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, जब तू बोलेगा हम लोग हार जाएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। चलो चलो चलते हैं चाचू। चलो भैया लगाओ यार। अरे ससुर जी आप बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपनी कार हार गए। तो क्या हुआ, अभी ऑफिस बाकी है। अरे ऑफिस के बाद तो आप एकदम टाइट फिश हो जाएंगे। कोई फिश नहीं होगा, बांटो। हाँ बांटो भाई, बांटो भाई। ये चाचू आप ऑफिस भी हार गए। अरे आज मेरा लक बहुत जोरों पर है, अब तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। फैक्ट्री लगी भाई। लगा लगा। नाइस मैन। अरे 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 ये भी गया। आप फैक्ट्री भी हार गए। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास है अभी। हाँ घर बचा है अभी। हाँ अच्छा हुआ याद दिला, घर लगी भाई। घर लगा यार। वाह हार गया, ओ मैं हार गया। तुम कहाँ थे तुम रात भर? भूत, भूत। ये भूत नहीं है, ये यमदूत है। यमदूत? हाँ हमें धोखा हुआ है, ये मरा नहीं जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे सर की कसम। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? इनसे कहो कि अभी घर इनका नहीं। माय माय। हाँ बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ। ये ठीक कह रहा है लिली, रात को है ना मैं जुए में सब घर जायदाद प्रॉपर्टी से हार चुका हूँ। क्या? हाँ मैं रात को है ना कैसीनो बैठ के पी रहा था तो अचानक ये मेरे सामने आके बैठ गया। कहने लगा क्या जुआ खेलोगे? मैं डर गया, फिर मैंने इसे टालने के लिए कहा अच्छा ठीक है मैं खेल लेता हूँ। मैं सोचा भूत है, जीत भी जाएगा तो मेरे से क्या ले जाएगा। ये सब मुझसे जीता गया, जब जीत गया तो बोलता मैं मरा नहीं मैं जिंदा हूँ, मुझे सब जीत गया, मैं हार गया। हारे तुम हो, मैं नहीं। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से इसे एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ए बुढ़ो, अपनी बुढ़िया से कहो कि अपना पोटली बिस्तरा उठाकर अपनी बिटिया के साथ आउट। व्हाट डू यू मीन? अरे बुढ़िया हमको मालूम है कि तुम बहुत नॉटी हो, इसलिए हम हमारे साथ सिंगापुर का कानून भी लेकर आए हैं। अरे अब मन चला, अरे तनिक नोटिस तो दिखा यार। मैं आया 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 आया। अरे आप भी आइए ना, और बताइए उस बुढ़िया को किस प्रॉपर्टी का मालिक ये नहीं है, मेरा दोस्त गोपी है। अरे बता ना यार। According to the country of the nature of the manipulation of the speculation of the Singapore government, this property belongs to Mr. Gopinath. अरे राम 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 राम, बड़े बेशरम लोग हैं भाई, इतनी बेइज्जती होने के बाद अभी तक यहाँ पर खड़े। अरे भाई निकली यहाँ से वरना हमको जबरदस्ती धक्का देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं हम पे दया करो, हम आपके इन्हीं चरणों में पड़े रहेंगे। अरे पड़ जाओ ना नीचे। तुम पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं? छोड़ो। अरे कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे, बैठ लीजिए। अरे निकालो यार। What happened मम्मी? तुम्हारे डैडी ने हमें कहीं का नहीं रखा, हमें बर्बाद कर दिया। इस गवार गोपी के हाथों हमारी सारी प्रॉपर्टी हार गए। क्या बोली? माफ कर दो, गलती हो गई अनजाने में, माफ कर दो। अरे जाने दो गोपी भैया, बनारस में कितने भिखारी आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इधर सिंगापुर में ये तीन भी पल जाएंगे, बच्चा कुचा इनको डाल लेंगे। मैं इन लोगों को माफ तो कर सकता हूँ अगर इन लोग मेरे हिसाब से रहे तो। बिल्कुल आपके हिसाब से रहेंगे। अरे बैठ जाओ ना, क्यों अपने घर में भिखारी बन के रहना चाहती हो? बैठो। हाथ जोड़ो हाथ। माफ किया। सबके सब कहाँ मर गए? ए बुढ़िया काहे इतना चिचिया रही हो? करके सब नौकर
हैं। मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ, जवाब दो भाई। नौकर निकाल दिए। निकाल दिए? हाँ। निकाल दिए? हमसे सवाल पूछ रही है, हाँ? इनका पोटली बिस्तर उठा के बाहर फेंकिए। नहीं नहीं नहीं, हम बताते मालिक क्या है कि ये नींद में है, इसको याद नहीं कि अभी घर की मालकिन नहीं रही, नौकरानी होगी। क्या करती है? मालिक कहते हैं जब घर में दो मुस्टंडी औरतें हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिक कह रहे हैं, तो फिर नौकरों की क्या जरूरत है? इसलिए तुमको काम करना पड़ेगा। तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं घर का कामकाज नहीं करती। कैसे नहीं करोगी? खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखो हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। अच्छा है, झाड़ू लाऊं? मत लाओ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, समझे? दरवाजा। सोच लो, सुनो। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। अपने आप को समझता क्या है शीला? हेलो आंटी। अच्छा तुम लोग आ गए, मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास ही आ रही थी। घर छोड़कर? हाँ। But why? ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये हमारी सारी जायदाद का वारिस बन बैठा है और हमें हमें सर्वेंटों की तरह ट्रीट करता है शीला। मैं अपनी इज्जत नहीं कमा सकती। लिली, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि हम एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। What? Let's go. देखा सासू जी, दौलत नहीं रही तो कैसे कन्नी काट रहा है? क्यों बे? तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की बे? क्यों बे लप्पू झन्ने, उस दिन की मार भूल गया? चल कान खोल के सुन लो सासू जी, यहाँ आना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। Shut up! रहेगी रहेगी, जरूर रहेगी, रहेगी ना, है ना, रहेगी ना। मैं और मेरी बेटी इसके नौकर बनकर नहीं रहेंगे, समझे? इसके पोटली पे बाहर फेंको। क्या है, तुम्हारी बेटी 10 बजे तक सोती रहती है? मैं सब ठीक करता हूँ, ये करेगी, घर का सब काम करेगी, खाना पकाएगी, झाड़ू मारेगी, गटर तक साफ करेगी, है ना? अरे हाँ बोलना, पिटवाएगी क्या? हाथ जोड़ के बोले बोले। ये समझ ले मेरा हाथ है तेरा नहीं। हाँ बोल। ये हुआ देखकर हाँ क्या बोल रही है? यहाँ देखकर बोलिए। अच्छा ये लो। हाँ। कहाँ के बोलिए ना, कितनी अच्छी लग रही है। ये क्या है? ये ऐसे गुस्से से कहाँ के बोल रही है, प्यार से बोलिए। हाँ। चलो अपुन चल के झाड़ू मारते हैं। चलो। हाँ। डालो। हाँ डालो डालो डालो। वो भी डालो। लीजिए मालिक। वो भी डालो। वो भी डालो। पानी कहाँ है, जग कहाँ है? पानी। अभी 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 कभी। मैं बेटी, तू भी खाना खा ले। हमारे खानदान में औरतें पति से पहले खाना नहीं खाती। रफ्ता रफ्ता सीख जाएगी। अरे कभी सीख जाएगी। आप खाना तो खाइए। हाँ खा रहे बाप। खाना किसने बनाया? मैंने नहीं। मधु बेटी ने बनाया है। मधु बेटी ने बनाया। नाचना गाना क्लबों में जाना सब सिखाया है, खाना बनाना नहीं सिखाया? सारा मूड खराब कर दिया। गोपी भैया चलो बाहर जाके खाना खाते हैं किसी हिंदुस्तानी होटल में। हाँ चलो चलो चलो। भगवान आपका भला करे, लेकिन मुश्किल है। कितने जंगली लोग हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं और तुम कुछ नहीं बोले। हम तो नौकर हैं, मालिक को क्या बोल सकते हैं। चल बैठ। बैठो मत, नहीं तो मालिक डांटेंगे। चाची नहीं नहीं, गोपी की चिट्ठी आई है। हाँ, गोपी की चिट्ठी। अच्छा मैं पढ़ती हूँ। मैम अच्छा तू पढ़, जल्दी जल्दी पढ़। माँ चरण स्पर्श। ठीक है, बहुत याद आती है तेरी। सच हम जानते हैं कि तुम भी हमारी याद में रात दिन परेशान रहती होगी। वो तो रहती है, का करे माँ, अपने देश से अपने गांव से दूर इसलिए तो आए हैं ताकि हम अपने और अपने गांव की इज्जत को वापस ला सके। वाह। और हाँ माँ, ये मनचला हमसे कह रहा है कि मन्नू को उसकी तरफ से बहुत प्यार। तू काहे शर्मा रही है, आगे पढ़। पढ़ो ना। और माँ एक खुशखबरी भी सुन ले, तेरी बहू माँ बनने वाली है और तू दादी। अरे मधु बेटी सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। Don't worry my child, everything will be all right. I'm with you. Wait here. Please wait here. Congratulations, it's a baby boy. हम आप अरे आप उठ जाइए भैया, आपको तो देखना ना देखना ही रहता, हमको अपने बेटे को देखने दो भाई। You know, मैं तुम्हारे बेटे को देखने नहीं जा रही हूँ, अपनी बेटी को देखने जा रही हूँ। अरे आप अपनी बेटी को बाद में देख लीजिएगा, इनको एक दिन के लिए रोक लीजिए, इनकी छाला पड़े तो। हाँ छोड़ते हैं भैया। हर महादेव।